चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा, इसका हमें इंजन ऑयल चेंज करना है। ये आप देख सकते हैं इंजन ऑयल की, यहाँ से हमें इस की को हमें खोलना होता है और यहाँ से इंजन ऑयल बाहर निकालना होता है। चलिए खोलते हैं। चलिए दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो आप देख सकते हैं ये ऑयल फिल्टर है, ये हमें खोलना होता है। ये इसका कवर दिया हुआ है, इसे हमें खोल के बाहर अंदर जो आता है उसे हमें निकालना है ऑयल फिल्टर, और फिर उसे फिट करना है। चलिए बाहर निकालते हैं। देखिए बाहर निकल चुका है और ये जो है इसका ऑयल फिल्टर है, ध्यान से देखिए। और ये चलिए अब हम इसे फिट करते हैं। तरह से फिट किया जाता है। इंजन ऑयल कैप को चलिए हम खोलते हैं। देखिए यहाँ से हमें इंजन ऑयल डालना होता है। पहले हम रखते हैं यहाँ पे करने, और चलिए अब हम इसे में ऑयल डालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल डाल रहे हैं हम। बस देखिए इंजन ऑयल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रिक निकाल के अब चेक करेंगे कि परफेक्ट है या नहीं। इसमें दो खाच आते हैं, फर्स्ट और सेकंड तक होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट है, सेकंड खाच की तरफ है। चलिए इंजन ऑयल कैप को हम वापस फिट कर लेते हैं उसकी जगह पे। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे हमारी कार का इंजन ऑयल चेंज हो चुका है और कार कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ।